तो दोस्तों आज की टॉपिक है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का रिव्यू, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, बैंक क्यों देता है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, उस पर तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। तो आज हम क्रेडिट कार्ड का रिव्यू करने जा रहे हैं। दोस्तों जब मैंने चैनल बनाया था तो मेरा मोटो यही था कि मैं सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड का रिव्यू करूं, लेकिन उन 4 सालों में पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं रास्ता ही भटक गया। पहली बात तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाई और जो मैंने वीडियो बनाई वो इधर उलट सुलट में बनाता रह गया। जिस काम को मैं अच्छे से जानता था उसके बारे में मैं लोगों को बताना चाहता था, मेरा मोटो वो होना चाहिए था, लेकिन वो मोटो से मैं भटक गया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तो अब वही काम करूँगा जो लोग देखना चाहते हैं, जो मुझे अच्छे से आता है। और आज हम जो क्रेडिट कार्ड का रिव्यू करने जा रहे हैं वही पहला क्रेडिट कार्ड जिसका मैंने सबसे पहले रिव्यू किया था वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड। पहले भी मैंने कर रखा रिव्यू, लेकिन उस टाइम ना मुझे बोलना आता था ना मेरे पास माइक था, फिर भी आप लोगों ने उस वीडियो पर प्यार दिया, 40,000 लोगों ने देखा। पहली वीडियो कैसी थी डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाके देख सकते हैं। दोस्तों 2022 स्टार्ट हो गया है, बैंकों ने कार्डों में कुछ ना कुछ अपडेट किया है, तो वो सारी अपडेट के साथ मैं फिर से रिव्यू कर रहा हूँ SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड की। तो सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड क्या है, बैंक किन लोगों को यह क्रेडिट कार्ड देता है, यह क्रेडिट कार्ड लेने से क्या फ़ायदा होता है, यानी कि इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके ऑफर्स क्या होते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को लेने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, जब यह क्रेडिट कार्ड आपके पास आ जाएगा तो उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ीस कितनी है और एनुअल फ़ीस कितनी है, क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट किस रूप में मिलने वाले हैं और वो उस पॉइंट को कितने दिन के अंदर आपको यूज करना है ताकि वो लैप्स ना हो, और कब यह क्रेडिट कार्ड का पॉइंट आपको मैक्सिमम एडवांटेज दे सकता है। तो इन सारी चीज़ों को लेते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और अब क्रेडिट कार्ड के रिव्यू की टॉपिक है। तो क्रेडिट कार्ड का सबसे बेसिक क्रेडिट कार्ड जो है वो सिंपली सेव ही है। दोस्तों सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड उन बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है जो अपने कार्ड से ग्रॉसरी पे खर्च करते हैं, मूवी टिकट पे खर्च करते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर पे खर्च करते हैं, तो यह क्रेडिट कार्ड अगर लेंगे तो ये सारा एडवांटेज मिलेगा। मिला जुला के बेसिक बिगनर क्रेडिट कार्ड है, तो बिगनर क्रेडिट कार्ड है तो सैलरी भी बिगनर वाली ही चाहिए, और यह कार्ड तो बड़े आसानी से मिल जाता है, इतना आसान कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप वहां पे जाके आप उस लिंक को क्लिक करिए और क्लिक के माध्यम से अपने डिटेल को प्रोवाइड करिए और आपको 5 मिनट में पता चल जाएगा आपका क्रेडिट कार्ड बनेगा या नहीं बनेगा। तो सबसे पहले सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के फीचर्स की बात कर लेते हैं। फीचर्स मतलब जो इस क्रेडिट कार्ड की स्पेशलिटी है, यानी कि यह बैंक ने इस क्रेडिट कार्ड को इसलिए ही डिज़ाइन किया है ताकि लोग इसके माध्यम से इस क्रेडिट कार्ड को लें। आपको पता है कि जो बिगनर्स लोग होते हैं उन सब के पास तीसरा क्रेडिट कार्ड SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड ही होता है। बैंक वैसे अब 3-3 क्रेडिट कार्ड दे देता है, लेकिन सबसे पहले सिंपली सेव ही देने की कोशिश करता है। जब आपके पास यह क्रेडिट कार्ड आ जाएगा, आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर लेंगे। क्रेडिट कार्ड को यूज करने के बाद 60 दिन में आप 2,000 रुपये खर्च कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, तो आपको 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलने वाला है। यह इस क्रेडिट कार्ड का फीचर्स है। दोस्तों मतलब कि ज्वाइनिंग फीस जो है 499 प्लस GST, उसमें से आपको यह वापस मिल जाएगा 2000 पॉइंट्स के रूप में, 500 रुपये, मतलब एक पॉइंट की वैल्यू 25 के आसपास लगती है इसकी। आप लोग मूवी देखते हो, डाइनिंग पे खर्च करते हो, ग्रोसरी पे खर्च करते हो, डिपार्टमेंटल स्टोर पे खर्च करते हो, तो आप वहाँ पे अपने सेविंग अकाउंट से खर्च करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, कुछ मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस सेगमेंट में इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप 100 रुपये खर्च करते हैं तो 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलने वाला है, एक पॉइंट की वैल्यू 25 पैसा है, तो आपको 2.5 रुपये का कैशबैक मिलने वाला है। यानी कि आप 100 रुपये खर्च करेंगे ग्रोसरी पे, जो आपके आसपास आपके मोहल्ले में दुकान हो सकती है, डिपार्टमेंटल जो बड़े बड़े बिग बाज़ार हो गए और इस टाइप करके हाइपर मार्ट हो गए, जहाँ पे आपको हर वो चीज़ मिलती है जो आपके घरेलू रोज़मर्रा की चीज़ों में यूज होता है, और आप उस दुकान से डिपार्टमेंटल से या ग्रोसरी शॉप से खरीदते हैं, इस कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो 100 रुपये में आपको 10 पॉइंट मिलने वाला है।
मूवी के अगर आप शौकीन हैं तो भी आपको इस कार्ड से अगर मूवी टिकट बुक करते हैं तो आपको 10 पॉइंट मिलता है, वहाँ भी 2.5% का कैशबैक है। होटल वगैरह में या कोई अच्छे रेस्टोरेंट में खाने के आप शौकीन हैं और वो आपका डाइनिंग सेगमेंट का मतलब पेमेंट ले रहा है तो भी आपको 100 रुपये खर्च करने पर 10 पॉइंट मिलने वाला है, जिसकी मनी वैल्यू 2.5 रुपये होती है। तो मतलब आपको डिपार्टमेंटल ग्रोसरी और मूवी और डाइनिंग पे 100 रुपये खर्च करने पर 10 पॉइंट मिल रहा है। उसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन खर्च करें चाहे ऑफलाइन खर्च करें, आपको मिलने वाला है दोस्तों 1 पॉइंट, 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, एल्सवेयर आप कहीं भी खर्च करते हैं। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में एक और एडवांटेज है, वो तो SBI के सारे ही कार्ड में होते हैं, लेकिन इसमें बेसिकली मतलब बेसिक कार्ड है तो आपको पता भी होना चाहिए कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से फ्यूल रिफिलिंग कराते हैं तो आपको 500 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम 5,000 रुपये का पेट्रोल वन टाइम में अगर आप भरवा के इस कार्ड से पेमेंट करते हैं तो फ्यूल सरचार्ज 1% जो होता है वो भी वेवअप होता है इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। तो ये जो फीचर्स हैं ये क्रेडिट कार्ड के हैं। इसके अलावा दोस्तों ऑफर्स की अगर बात कर ले तो आजकल आप देखते होंगे कि 10% का कैशबैक SBI क्रेडिट कार्ड देता है, सिंपली सिर्फ क्रेडिट कार्ड नहीं देता, SBI क्रेडिट कार्ड आप 10% तक का कैशबैक दे देता है। कभी आप 15 अगस्त के सेल में देख लेते होंगे, कभी आप 26 जनवरी के सेल में देख लेते होंगे, तो यह सारे इसके ऑफर्स इसमें आते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि क्रेडिट कार्ड जब लिया जाता है तो उसकी कुछ ना कुछ फीस होगी, क्योंकि भाई दुनिया में कोई चीज़ तो फ्री में मिलती नहीं है। तो बात करते हैं दोस्तों आगे इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस, और हम कैसे इस एनुअल फीस को वेवअप करा सकते हैं, ज्वाइनिंग फीस को वेवअप करा सकते हैं। तो दोस्तों बैंक ने इस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फीस रखी है 499 प्लस GST रखा है, और जैसा मैंने आपको शुरू में बोला कि पहले 2 महीने में आप 2,000 रुपये खर्च कर लेते तो ये 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट दे देंगे और वो 2,000 पॉइंट की वैल्यू आपकी 500 रुपये के आसपास होती है, तो आपकी ज्वाइनिंग फीस फ्री हो जाएगी। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने के बाद पैकेट को ओपनिंग नहीं करते हैं, 60 दिन में 2,000 रुपये नहीं खर्च करते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि आपको 500 रुपये प्लस GST लगेगा, और अगर आप का पे नहीं करते हैं तो उसमें ओवर लिमिट चार्ज लगेगा, लेट पेमेंट लगेगा, और अगर आप 4 महीना क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करेंगे तो आप डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। कैसे आप कर्जों के जाल में फंसते हैं ये वीडियो बना रखिए, आप लोग जाके देखिएगा। तो दोस्तों अगर आप ये क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको यह करना है कि भाई कार्ड लिया है तो पिन जनरेट करके 2 महीने में 2,000 रुपये खर्च कर लो और कार्ड के एक्सपीरियंस को देखो, 1 साल चला के देखो, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो आप क्रेडिट कार्ड को क्लोज करा सकते हो। क्रेडिट कार्ड को कैसे क्लोज कराया जाता है वीडियो बना रखी है, आप इस वीडियो को जाके देखिए आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अच्छे से चलाएंगे तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए वरदान सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें आपको ग्रोसरी डिपार्टमेंटल वगैरह पे 2.5% का कैशबैक मिलता है। जब ज्वाइनिंग फीस की बात होगी तो अब एनुअल फीस की बात कर लें। एनुअल फीस उसको कहते हैं कि आपका पूरा कैलेंडर ईयर यानी कि 12 महीने के बाद जो नेक्स्ट ईयर आएगा, जैसे जनवरी में आपने कार्ड लिया और नेक्स्ट जनवरी में इसका एनुअल फीस लगेगा, तो उस एनुअल फीस को वेवअप करने के लिए आपको पूरे कैलेंडर ईयर में इस कार्ड से 90,000 रुपये खर्च करने किसी भी सेगमेंट में, तो नेक्स्ट ईयर भी फ्री रहेगा। और आपको दोस्तों अगर वो 2.5% वाला सेगमेंट हुआ तो कैशबैक अलग से मिलेगा, अगर वो 100 रुपये पे 1 पॉइंट वाला हुआ तो वो एक अलग मिलेगा, वो तो मिलेगा मिलेगा, प्लस आपकी जो एनुअल फीस है वो भी आपकी माफ़ हो जाएगी। यानी कि जो इसकी फीस इन्होंने एनुअल 500 रुपये मतलब वही 499 प्लस GST रखा है वो नहीं लगेगा। तो 90,000 रुपये आपको पूरे साल में खर्च करना है इस क्रेडिट कार्ड से, तो नेक्स्ट ईयर इसकी फीस वेवअप रहेगी। दोस्तों आपको पता है क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट फ्री डेट मिलता है क्रेडिट कार्ड का साइकिल से अगर क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड का साइकिल क्या होता है इस वीडियो को देखिए। क्रेडिट कार्ड जब आपका बनता है, क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है, उस बिल जनरेट के बाद आपको 20 दिन का टाइम मिलता है। आप सपोज कर लीजिए कि आपका एक क्रेडिट कार्ड है जिसका बिल 1 तारीख को जनरेट होता है और आपको बिल भरने का टाइम 20 दिन का मिलता है, यानी कि 20 तारीख को आपको पेमेंट करना है, और मान लीजिए फिर 1 तारीख को आपका बिल बन गया और 2 तारीख को आपने परचेज किया, तो वो बिल नेक्स्ट मंथ की जो तारीख आएगी 1 तब आपके बिल में ऐड होगा, और 20 तारीख जो 20 दिन आपको अलग मिलेंगे तो 20 तारीख को आपको पे करना पड़ेगा, तो आपको एक बार टोटल 50 दिन का टाइम मिल जाएगा। और अगर सपोज करिए आपने वही परचेजिंग 30 तारीख को किया तो आपका 1 तारीख को बिल आ जाएगा और फिर वो 20 तारीख को देना, तो उसमें आपको 20 दिन का ग्रेस मिला, तो इसमें आपको 20 से 50 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है इस क्रेडिट कार्ड का, ये भी एक एडवांटेज है। तो दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड बैंक दे किसको रहा है,
आपकी एज 21 साल है और आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर आप सैलरीड है तो आपकी 20,000 पर सैलरी होनी चाहिए सिविल के साथ। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपकी अर्निंग 30,000 पर मंथ होनी चाहिए, तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लीकेबल हैं। अगर आपको अपना क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक है, आप जाके वहाँ पर अपने डिटेल को भरिए। चाहे आप सैलरीड है सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर आपका अप्रूवल आ गया तो बैंक आपसे कंटेक्ट करके आपका 7 दिन में क्रेडिट कार्ड आपके दिए गए एड्रेस पर डिस्पैच कर देगी। मतलब कार्ड बहुत आसानी से बैंक बना रहा है, क्योंकि SBI का टक्कर HDFC बैंक के साथ चल रहा है, तो दोनों में कंपटीशन है मार्केट का हेड बनने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो जाके यह क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये दोस्तों कि यहाँ के यह क्रेडिट कार्ड इस लिंक से उन्हीं को मिलेगा जो पहली बार अप्लाई करे। जिन्होंने ऑलरेडी पहले बैंक से अपना रिलेशन बना रखा है वो ना अप्लाई करे, क्योंकि यहाँ से वो कार्ड नहीं बनेगा। आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर महानगर में क्रेडिट कार्ड दे रहा है जहाँ पे ब्रांच है उसकी। तो आप मतलब किसी भी स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और आप शहरी हैं तो आप कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिविल आपका 700 से ऊपर होना चाहिए। सिविल का मतलब है कि आपने पहले कोई क्रेडिट कार्ड या लोन ले रखा हो। क्या आपको सिविल के बारे में पता है कि सिविल में क्या क्या चीज़ चेक की जाती है, ये वीडियो जाके देखिए। नहीं मालूम है तो कमेंट्स में लिखिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो दिमाग में अगर ये आ रहा है कि अप्रूवल आने के बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है, तो दोस्तों आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड है, आपकी 2 मंथ की सैलरी स्लिप है, तो आप उसके भी आप पे कार्ड आपका बन जाएगा। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है इसमें सॉफ्ट अप्रूवल आ जाता है कि विदाउट डॉक्यूमेंट्स ही आपका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। अगर आपका अच्छा सिविल है तो उसमें आपका केवल पैन कार्ड लगने वाला है, KYC करेंगे और आपका कार्ड बन जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप बिजनेसमैन है तो फॉर्म 16 की ज़रूरत होती है, 6 महीने के अकाउंट की स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपका अप्रूवल आ जाता है तो। KYC में वही पैन कार्ड आधार कार्ड वोटर आईडी पासपोर्ट DL जो कि मतलब कॉमन KYC हैं, वो KYC के बिहार पे आपका ये कार्ड बैंक प्रोवाइड कर देता है। और इनकम प्रूफ में वही सैलरी स्लिप और आपका फॉर्म 16 और आपका अकाउंट स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ज़्यादातर काम डिजिटली हो गया है, तो आप अगर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे डिजिटली आपका अगर नेट बैंकिंग वाला अकाउंट है तो अपने आप बैंक वहां से ले लेगा। तो दोस्तों कि मिला जुला के यह क्रेडिट कार्ड अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप सैलरीड पर्सन हैं, आप फैमिली मैन हैं, आप अपने रोज़मर्रा की चीज़ें क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग करते हैं, तो यह क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को इस पर्पज़ से ले रहे हैं कि भाई मुझे एयरपोर्ट लाउंजेस मिल जाएगा, मैं इंटरनेशनल शॉपिंग करूँगा, तो दोस्तों इंटरनेशनल शॉपिंग तो यह क्रेडिट कार्ड आपको करवाएगा, लेकिन इसमें मार्कअप रेट जो होता है ना वो बड़ा महंगा होता है। मार्कअप रेट क्या होता है क्रेडिट कार्ड का अगर आपको नहीं पता है तो एक वीडियो मैंने बना रखी है, आप उसको जाके देख सकते हैं। कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको कमेंट्स में भी रिप्लाई कर दूंगा कि मार्कअप रेट क्या होता है। तो आप इंटरनेशनली इस क्रेडिट कार्ड को ले रहे हैं तो आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड अच्छा नहीं है, लेकिन आप ग्रोसरी डिपार्टमेंटल मूवी डाइनिंग पे खर्च करते हैं, मतलब एक फैमिली मैन वाला खर्चा, तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए अच्छा है। तो कंपेयर करें अगर इसके HDFC के मनी बैक क्रेडिट कार्ड की या स्टैंडर्ड चार्टर्ड के सुपर वैल्यू टाइटेनियम के साथ या सिटी बैंक के सिटी रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड के साथ, तो दोस्तों उन चारों क्रेडिट कार्ड के मुकाबले यह क्रेडिट कार्ड अच्छा है उस सेगमेंट में जो ग्रोसरी सेक्शन है, क्योंकि इसकी फीस मात्र 500 रुपये है, वो भी रिफंडेबल है। अगर इन चारों कार्डों के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसका भी मैंने रिव्यू कर रखा है पहले, आप जाके देख सकते हैं। नया जो भी एडवांटेज है आपको बहुत जल्द मिल जाएगा इस चैनल पे। इसमें बाकी जो फीचर्स SBI कार्ड अपने अपने कार्ड में देता है, जैसे बैलेंस ट्रांसफ़र हो गया, कैश ऑन कॉल हो गया, और आपको पता है कि इस क्रेडिट कार्ड में एक ये भी फीचर्स है कि आप इस क्रेडिट कार्ड का जो रिवॉर्ड पॉइंट है उसको आप अपने स्टेटमेंट से भी लेस करा सकते हैं। यह क्रेडिट कार्ड का रिवॉर्ड पॉइंट 2 साल के लिए आपके स्टेटमेंट में रहेगा, अगर उस बिटवीन अगर आप नहीं यूज करते हैं तो लैप्स हो जाएगा। यह क्रेडिट कार्ड वर्ल्ड वाइड चलता है, मात्र 2 देशों को छोड़ के, एक है नेपाल एक है भूटान। और अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट को हम यूज कहाँ करेंगे, तो दोस्तों इसके रिवॉर्ड पॉइंट को यूज करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, .com पे जाके कैटलॉग से शॉपिंग कर सकते हैं, या अपने स्टेटमेंट से इसके रिवॉर्ड पॉइंट को, यानी कि 2000 हो जाएगा तो उसकी 500 वैल्यू है, रिवॉर्ड को कॉल पर भी आप रिडीम करा सकते हैं। इतना आसान है इसके पॉइंट को रिडीम करना।
बात कर लेते हैं कस्टमर केयर की। तो दोस्तों इसका कस्टमर केयर जो है बड़ा मुश्किल से मिलता है, आपको मैं फैक्ट बता दूं। लेकिन अगर आप इसके ऐप के थ्रू या मेल के थ्रू कस्टमर केयर से बात करते हैं तो बड़े आसानी से इजीली लग जाता है। इनका आपको वर्चुअली असिस्टेंट भी मिलता है, अगर आप इनके ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको वर्चुअली असिस्टेंट के बारे में पता चल जाएगा। वीडियो बना रखी है कि कस्टमर केयर 5 मिनट में कैसे लगता है, इस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड आने के बाद आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्रेडिट कार्ड के पिन को जनरेट कर लेते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आने वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि SBI क्रेडिट कार्ड के पिन को कैसे जनरेट किया जाता है। तो प्यार बना के रखिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। कोई कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप में आइए, मैं और मेरी टीम बताएंगे कि आपका जो सवाल है उसका जवाब क्या होना चाहिए। और ये क्रेडिट कार्ड लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके अप्लाई करके देखिए, क्या पता आपका कार्ड बनी जाए। बन जाए तो स्नैपशॉट भेजिएगा कि भाई आपके माध्यम से बना है। तो मतलब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए सेहत का ख्याल, क्योंकि जाना है तो जहाँ है। गुड नाइट, सी यू, बाय बाय।